टीबी पेशेंट मान बोली जो मानको डाउट करा जाउची से मानको टू रक्त नमूना ये कफ नमूना संग्रह हेची जखमा रोगी को चिन्हट पई एठी नरला हाई स्कूल को आछंती केंद्रीय दल पिरामल प्रोजेक्ट रे एटा ड्रोन रे नमूना सब जिला स्वास्थ्य केन्द्र को पठा जीव सीधा सड़क देखेब ड्रोन मध्यम केमती एठू जाउची भवानीपाटना को जीव से लैंडिंग करिवो तार समय निर्घंट कर टेक्नीशियल मान एठी मान रेडी हेचंती नुआ योजना पिरामल प्रोजेक्ट रे होचे एटा रेड विंग्स कंपनी ई सब दायित्व नैछि सीधा सड़क प्रतिक्रिया नेबा सर आपन को परिचय देबे कि हां मेरा नाम रूपेश सिंह है और मैं पिरामल स्वास्थ्य से हूं। सर क्या है प्रोजेक्ट, क्या है, एक नया टाइप का हो रहा है, सबको नया लग रहा है हम लोग को यहाँ, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स बताइए। तो ये ड्रोन है और ड्रोन के माध्यम से जो ये दूर दराज के एरिया है, जो दूर दराज के हिली एरिया है जहाँ पे PSC सब सेंटर्स है, जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी नहीं है और आने जाने का कोई माध्यम नहीं है या कम वहाँ पे असुविधाएँ है वहाँ पे, तो वहाँ पे जो भी हमारे पेशेंट है, जैसे अभी तो हम सिर्फ सैंपल परीक्षण कर रहे हैं, तो जो TB के प्रेजेंटिव केसेस हैं उनका सैंपल कलेक्ट करके अभी हम टेस्ट कराने के लिए यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे भेज रहे हैं। लेकिन आगे चल के ये जो पायलट के बाद में इसके बहुत सारे और उपयोग हैं, जैसे कि जहाँ पे डिलीवरी होता है, जहाँ पे बर्थ होता है बच्चे का, वहाँ पे अगर ब्लड नहीं है या ब्लड स्टोरेज यूनिट नहीं है, ब्लड बैंक नहीं है, तो उसको भी हम इसके माध्यम से ब्लड को भेज सकते हैं और वहाँ पे सिजेरियन सेक्शन करा सकते हैं, जिससे कि बच्चे की जो डेथ्स होती है उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, मदर का जो डेथ होता है उसको प्रिवेंट किया जाता है। उसके अलावा बहुत सारे इसके उपयोग है जिसको हम आगे चल के एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्री और स्टेट मिनिस्ट्री और डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट के साथ में। तो अभी हम ये परीक्षण करने के बाद में जो स्टेट डिपार्टमेंट है, सेंट्रल मिनिस्ट्री है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके कोलेबोरेशन में आगे इस प्रोजेक्ट को कैसे ऑपरेट करना है वो सब हम डिस्कस करके फाइनल करेंगे। तो अभी एक बार पायलट हो जाए, अभी हम टेस्टिंग कर रहे हैं कितना फिजिबिलिटी है इसको चलाने का, कितना कॉस्टिंग आएगा, वो सब अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सर ये ओडिशा में कितने ठो जगह में हुआ या कालाहांडी में? हाँ, तो कालाहांडी में ये दो जगह हुआ है, कल हमने किया था, आज हम नरला ब्लॉक में कर रहे हैं। कल हमने 17 सैंपल भेजे थे टेस्ट करने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, और आज यहाँ 18 से 18 सैंपल हम भेजने वाले हैं। आओ जाना सर अच्छा तक भी दुई पद सुनवा से भी ठीक कौन सब तंकर दायित्व रही। सर आपका रिस्पॉन्सिबल क्या है जो प्रोजेक्ट चल रहा है? तो मेरा नाम कुंदन है, मैं रेड विंग में पार्टनरशिप लीड करता हूँ, तो ये सारे स्टेट्स के साथ पार्टनर्स के साथ ये प्रोजेक्ट्स कैसा करना है, कैसा डिजाइन करना है, वो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर। तो ये क्या गवर्नमेंट का ये प्रयास रहेगा कि जड़ से जो TB को खत्म करने का प्रयास है क्या, जो बारे में थोड़ा बोलिए? तो गवर्नमेंट का तो बहुत फोकस और एफर्ट है दोनों सेंट्रल लेवल में, बहुत सारे स्टेट लेवल में, कि TB को एलिमिनेट करना है, और उस पूरा प्रोग्राम्स में ड्रोन एक इतना इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी बन सकता है, जहाँ पे जो बहुत डिस्टेंट एरिया से सैंपल्स बहुत जल्दी से जल्दी टेस्टिंग के लिए लेकर आएँ, तो उसकी वजह से टेस्टिंग टाइम बहुत कम हो जाएगा और ट्रीटमेंट टाइम भी बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि हम सैंपल्स लेकर जा सकते हैं लैब को और पूरा जब डायग्नोसिस होगा दवाई भी वापस विलेजेस को लेकर जा सकते हैं, तो ये एक इम्पोर्टेंट हिस्सा बन सकते हैं TB एलिमिनेशन में। थैंक यू। सुनुले कि भली भाव कम समय मध्य सैंपल जाकि परीक्षण हेब एवं रोग को शीघ्र शीघ्र चिन्हट करके निर्मूल समूल नाश करने सरकार प्रयास एटा को एक शुभंकारी कार्यक्रम कहले अत्युक्ति होने। कलाहांडी नरलारू लिंगराज मिश्र रिपोर्ट ODIABARTA.IN।